नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2012 और 17 में इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर चीनी कंपनियों से समझौता किया था, लेकिन अब नेपाल के पीएम शेर बहादुर देवा ने जानकारी दी है कि सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर नेपाली भारत से बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे 1250 मेगावाट की बिजली पैदा की जा सकती है। भारत से निर्णायक बातचीत की जरूरत में देवबा ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी 16 मई को लुम्बिनी आ रहे हैं और इसी दौरान उनसे पश्चिमी सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि चूंकि भारत नेपाल में चीनी कंपनियों द्वारा उत्पादित ऊर्जा खरीदने को लेकर अनिच्छुक है, ऐसे में हम भारतीय डेवलपर्स की भागीदारी के लिए पीएम मोदी से बात करेंगे। आपको बता दें कि नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रदेश में सेती नदी पर बनने वाली प्रस्तावित 1250 मेगावाट की पश्चिमी सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर पिछले 6 दशकों से बातचीत हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली ने नेपाल से तो टुक में कहा हुआ है कि अगर काठमांडू भारत के पावर एक्सचेंजर्स मार्केट में बिजली बेचने की योजना बना रहा है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में कोई चीनी घटक न हो। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यही कारण है कि नेपाल पश्चिमी सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर भारत के पास पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।